नीना कुकरेजा अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में किया गया। इस मौके पर लोकसभा से सांसद उम्मीदवार सुशील रिंकू, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व मेयर जगदीश राजराजा, शिवनाथ शिब्बू, मनजीत सिंह टीटू, पंडित आदित्य, राधा रानी, पारिवारिक सदस्यों में पति नरेश कुकरेजा, पारस कुकरेजा, कार्तिक महमा, अंकुर, भवनशी, रुद्राक्षी सहित राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय नीना कुकरेजा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। कि हम जब मां के गर्भ में होते हैं तो सातवें आठवें महीने से प्रभु का चिंतन करते हैं, विनती करते हैं कि ठाकुर जी मुझे इस नरक की योन से बाहर निकाल दो तो मैं आपके नाम का सहारा लेकर अपना जीवन उद्धार करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही बाल अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी कहते हैं अरे ये सब कर लो और जो प्रभु का नाम लेना है तो बुढ़ापे में ले लेंगे। अरे भाई बुढ़ापा आता है नहीं आता है, आज 50-55 साल की उम्र में श्रीमती नीना जी चली गई, ये बुढ़ापे का इंतजार कर रही थी। प्यारी सास समझियो अजय सिंह साढ़े बहुत ही सत्कारयोग भैन जी नीना कुकरेजा जी को अज अंतिम श्रद्धा के रूप में स्मरण करते हुए हर एक इंसान ने दुनिया में चले जाना है पर इंसान अपनी जीवन यात्रा पूरी करके जाए, जिम्मेवारियां पूरी करके जाए, लंबी उम्र पूरी उम्र भोग के जाए तो कितना कितने परिवार को रिश्तेदारों इस गल का हौसला होता है पर अचानक चले जाना कदे जिंदगी के बहुत सारे काम करने जिम्मेवारियां बाकी सन तब छड़ के चले जाना मैं समझना कि जिते परिवार के लिए बड़ा दुख आई है उसे सारे रिश्तेदार साढ़े संबंधी और जिन्हें जिन्हें नाल साढ़े भैन जी का निजी प्यार से कदे भाई साहब नरेश कुकरेजा जी काला जी उन्होंने जिन्हों के नाम निजी प्यार से लाला लक्ष्मी दास जी कुकरेजा हमेशा कहते थे मेरे चार बेटे केवल नरेश, दिनेश और आदित्य भी मेरा बेटा, उनका सहयोग समाज के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, लाला लक्ष्मीदास जी का सबसे ऊपर नाम और उसी तरीके से उनके तीनों बेटों ने भी संभाला जिसमें कि सबसे ज्यादा नीना कुकरेजा का ही योगदान है। नीना कुकरेजा का कहना था कि जो जो काम पापा जी करते थे उन किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना, वो हमने जरूर करना।